आइए एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = 0 के रूट का नेचर पता करना है। अगर इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो रूट निकालने हैं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है 2x² - 6x + 3 = 0। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहां ax² का कोएफिशिएंट bx का और c कांस्टेंट होता है। अब हमें अपने इस इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। a इज इक्वल टू 2x² का कोएफिशिएंट, b इज इक्वल टू -6x का कोएफिशिएंट और c इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट। हमें रूट का नेचर चेक करने के लिए b² - 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो b² - 4ac की वैल्यू होगी -6² - 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। हेंस दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। हम देख सकते कि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब भी b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो तो इस इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे। अब हमें इनके रूट फाइंड करने हैं। हम जानते हैं कि रूट फाइंड करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। पुट द वैल्यू ऑफ a, b and c in this formula, we get x is equal to minus into -6 plus minus b² - 4ac की वैल्यू हमने 12 निकाली है, तो रूट अंडर 12 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। 2 कॉमन लेने पे 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4 is equal to 3 plus minus root 3 divided by 2. That is x is equal to 3 plus root 3 divided by 2 or 3 minus root 3 divided by 2. Therefore, roots are 3 plus root 3 upon 2 and 3 minus root 3 upon 2.